हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी टाइम हो गया था, 10 बज गया था, तो हमारा ना जो लाइट कट गया था तो रूम एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था। तो इसीलिए मैं सोची कि क्या करूँगी, जो ये मैं आ गई यहाँ पे ओरोद ताल, जो ओरोद का दाल होता है ना, जो खेत से लेके आए थे हमारा गाँव से, मेरी मम्मी भेजी थी, तो वही उसको ना मैं थो अच्छे से मतलब पीस रही हूँ। ऐसे नीचे चकली तो होता है, लेकिन जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं ना ये नीचे ऐसे जो सिलबट्टा लेके ऐसे पीस रही हूँ। तो नैना भी साइड में खेल रही है, जैसे बाहर साइकिल चला रही है, उसके लिए उसके पापा भी एक साइकिल लेके आए हैं, तो नया नया सीख रही है। देख लीजिए, ये अभी अभी मतलब 3-4 दिन हो गया लेके आने से, लेकिन वो चला नहीं पा रही थी। आज एकदम से बोली कि मम्मा मेरे को देखो, मैं साइकिल चला रही हूँ। तो इसलिए मैं क्या किया ना, थोड़ा सा मैं शूट कर दिया हूँ। तो ये मैं बाहर बैठ के जो और दाल पीस रही हूँ, और नैना यहाँ पे खेल रही है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारा है, तो मैं उसको पीस के रख दूँगी, फिर उसको अच्छे से चला दूँगी। फिर उसको जो मतलब टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब बोली कि इस काम को ख़त्म कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। और मेरा मैं लाइट भी आ गया था, तो मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। और जो लाल साग होता है ना, उसको बना रही हूँ। और वो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा जो चावल का आटा दे रही हूँ, मतलब जो होता है ना चावल का आटा, उसको दे रही हूँ। चावल और जो औरत का दाल को मिला के जो एक पेस्ट मिक्स में एक पाउडर बनाई थी, तो उसको दे रही हूँ। ऐसे पकाने से मतलब एकदम मतलब टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं साग बना लेती हूँ। फिर क्या बनाऊँगी, और साग बना लूँगी और मिक्स भुजिया बना लूँगी, जैसे कि मैं बना के फिर खा लूँगी। और दाल दाल बनाई थी, तो इसीलिए मैं दाल क्या दिखाऊँगी, इसीलिए मैं शूट नहीं किया। तो मैं वहाँ पे फिर मिक्स वेज बनाने के लिए, मतलब मिक्स वेज नहीं, मतलब भुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले लिया जो राई होता है, उसको ले लिया हूँ। थोड़ा सा दो हरी मिर्च दे दिया हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा भुजिया बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि फ्रिज में पड़ा पड़ा, जैसे कि गांव से मैं प्रीवियस ब्लॉग में दिखाई थी, जो कि जो फूलगोभी लेके आए थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बना ली। और थोड़ा सा ना बीन्स बच गया था, घर में था, तो थोड़ा सा मैं देखी, तो फिर जब देखी तो थोड़ा सा जैसे सड़ गया टाइप का वो हो रहा था, तो मैं सोची कि उसको एक साथ मिक्स करके बना दूंगी। और जैसे कि नैना तो आलू खाती है, तो इसीलिए मैं उसके लिए क्या नैना के लिए आलू डाली हूँ, और जो बीन्स और फूलगोभी, तो उसको मिला के देख लीजिए कितना सारा है। तो हमारा ना मतलब मैं ऐसे क्या मैं थोड़ी सी मतलब ज़्यादा बना ली हूँ, तो कोई नहीं, रात को भी खा लेंगे। अभी बात से उसमें क्या डाल दी हूँ, नमक दे दिया हूँ, और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और तीनों को मिला के एकदम अच्छे से मिक्स करके उसको अच्छे से भून के फिर उसको थोड़ा सा ढक के रख दूँगी। फिर मैं सोची कि फिर देखी तो फिर मैं उसके बाद ना थोड़ा सा जो ग्रीन मटर था घर में, तो उसको मैं ला के फिर मिला के एक साथ भून दूंगी, अच्छे से भून के फिर उसको देख लीजिए। मैं वहाँ पे फिर बाद में भून लिया था अच्छे से, फिर सोचा कि देखा तो मटर देख लीजिए, जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि मटर से क्या हो रहा ना, जैसे कि ये पेड़ जैसे कि दाना निकल आया था, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा मतलब वो डाल दी, उनके वो ख़राब हो जाएगा, फिर इसी में भुजिया के मिक्स भुजिया हो जाएगा, तो अच्छा भी लगता है। एक बार कभी बना के नहीं खाए तो एक बार ट्राई करके ज़रूर खाना। तो देख लीजिए, मेरा आधा अधूरा हो गया है खाना, भुजिया बन गया, थोड़ा सा पक गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना करारा टाइप का बनाना मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे साग है, वहाँ पे भुजिया है, तो देख लीजिए। और थोड़ी मतलब मेरा थोड़ा सा मतलब हो गया था, और थोड़ा सा भुनना था, तो मैं थोड़ा सा शूट कर लिया हूँ। तब फिर इसके बाद ना फिर मैं कुछ शूट नहीं किया, फिर मैं कुछ काम कर रही थी। हाँ, जो लाइट आ गया था, तो इसीलिए मैं ना आधा जो औरत का दाल आज आधा मतलब उसको पिसाई थी, तो आधा था, तो मैं उसको पिसाने के लिए चली गई। तो फिर मैं उसके बाद कुछ शूट नहीं किया। खाना भी मेरा 1 बजे तक बन गया था, लेकिन हमारा खाना ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, 2:30-3 बज जाता है,
तो फिर मैं उसके बाद और कुछ नहीं बनाई। तो ये मैं फिर उसके बाद का क्लिप है, ये है सुबह का टाइम, मतलब दूसरे दिन का टाइम, सुबह का टाइम। तो मैं यहाँ पे बैठी थी तो सोची कि आपको मैं कुछ बता रही थी, लेकिन क्या है ना, नैना साइड में कुछ पटर पटर हो रही थी तो मैं इसीलिए आवाज़ कट कर दिया हूँ। तो इसीलिए मैं, मतलब नैना देख लीजिए, नैना साइड में है, कुछ बोल रही थी मेरे को, अभी नहा के आ गई थी मैं। तो मैं आपको बोल रही थी क्या, कुछ बोल रही थी, ठीक से याद नहीं है। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना। मैं जो वीडियो आपको पोस्ट करूँगी आपके पास पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और क्या बोल रही थी, हाँ कुछ बोल रही थी अभी, मतलब कि याद नहीं आ रही है। तो चलिए, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मैं सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो हाँ, मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी, जो मेरा जो मिक्सचर ग्राइंडर है ना, वो ये ख़राब हो गया, तो मैं कुछ जो उड़द का दाल जैसे कि पिसाई थी, तो मैं उसको डोसा बनाने के लिए पेस्ट बना रही थी, तो ख़राब हो गया था। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा मुंह ऐसे लटका हुआ है, इसीलिए मैं वही बात बोल रही हूँ, पीछे इग्नोर मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा जो कपड़ा है, सुबह सुबह है तो नहा के आ गई जल्दी जल्दी, कपड़ा ऐसे ही टॉवल जैसे पड़ा हुआ है। तो और कुछ बता रही थी लेकिन अभी याद नहीं है। तो चलिए, आपको भी ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर लेना। और मैं ना काल का मतलब देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, चल तो कोई नहीं, चलिए फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और नई इंटरेस्टिंग के साथ।